हेलो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में एवीएल ट्री। तो अगर आप एवीएल ट्री पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपको बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री पता होना चाहिए और बाइनरी ट्री क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके चाइल्ड होंगे या तो जीरो चाइल्ड होगा या वन होगा और मैक्सिमम इसमें टू चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये तो सिंपल बाइनरी ट्री की कंडीशन थी। अगर हम बीएसटी की बात करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में दो रूल थे। जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड होता है वो हमेशा पेरेंट से क्या होता है, छोटा होता है, और जो राइट चाइल्ड होता है वो पेरेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम बीएसटी की बात करते हैं, अगर ये 5 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो छोटा होगा और राइट चाइल्ड हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें जो बाइनरी ट्री था उसमें सर्च करना प्रॉब्लम होती है। अगर हम बाइनरी ट्री बनाए कहीं भी तो जरूरी नहीं है कि वो लेफ्ट राइट ही होगा, वो हम कहीं भी कोई भी एलिमेंट कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट को सर्च करना जो होता है वो प्रॉब्लम होती है किसमें, बाइनरी ट्री में। जबकि बीएसटी में क्या था, एलिमेंट को सर्च करना जो था वो इजी हो गया था। तो ये था हमारा, ये था बीएसटी। अब बीएसटी में भी क्या था, एक प्रॉब्लम थी। अगर हम बीएसटी की बात करते हैं, एक बीएसटी की बात करते हैं जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एलिमेंट है। अगर हम इसकी बीएसटी बनाते हैं तो ये क्या होता है, एक ही सीक्वेंस में हमारा क्रिएट होता है। तो बीएसटी एज अ काम करता है यहां पर, एक लिंक लिस्ट का काम करता है, और जिसमें एक ही लिंक लिस्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में बढ़ रहा है बस एलिमेंट। तो इसमें क्या था, इसमें एक मेन ड्रॉबैक ये था, अगर हम इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी हमारी ओ एन, क्योंकि जो भी एलिमेंट हमें बनाना है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम यूज करनी है, क्योंकि इसमें हाइट जो है एन है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाती थी, एन हो जाती थी। तो उस चीज को रिमूव किया था हमारा एवीएल ट्री ने। तो एवीएल ट्री कहता है जो बीएसटी है, इसने जो बीएसटी थी उसी में थोड़ा सा एक्सटेंड किया था। इसने बीएसटी को ही क्या बोला था, बैलेंस बीएसटी बनाया था। उसमें मेनली काम करता है बैलेंस फैक्टर में। ये कहता है कि हर एक एलिमेंट का अपना एक बैलेंस फैक्टर होना चाहिए जो डिपेंड करेगा हमारा एलिमेंट इंसर्शन के लिए। तो अगर हम एवीएल ट्री की बात करते हैं, एवीएल ट्री को मेनली हम लोग बोलते हैं बैलेंस बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस बीएसटी भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री, ये भी हम इसको बोलते हैं। अब अगर बीएसटी की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला है इक्वल टू, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इसमें हर नोड का हमारा क्या निकलेगा, एक बैलेंस फैक्टर डिफाइन होगा। हर एक नोड की बात करें तो हर नोड का एक बैलेंस फैक्टर हम लोग क्रिएट करेंगे। अब जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए, जैसे मान लो ये 4 है, 2, 3, 1 5। अब अगर हम 4 के बैलेंस फैक्टर की बात करें तो इसकी जो हाइट है लेफ्ट सब ट्री की, मैक्सिमम हाइट जो है वो 2 है और राइट की कितनी है, 1 है। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस 1। अब हाइट क्या होती है, हाइट होती है सबसे बड़ा पाथ, मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट पाथ होगा वो इसकी हाइट होती है। तो इसमें क्या है, या तो हम ऐसे चल यहां से जा सकते हैं लास्ट नोड के पास, या हम ऐसे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 ही नोड आ रहा है किसी पाथ पे अगर हम चलें, तो हाइट उसकी कितनी हो रही है, 2 हो रही है, और राइट की बात करें तो राइट में 1 हो रहा है, तो इसका बैलेंस फैक्टर जो हो रहा है वो 1 आ रहा है। नेक्स्ट इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें तो इसका लेफ्ट भी 1 है, राइट भी 1 है, ये 0 हो गया। इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें 0, इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें 0, इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें तो ये भी क्या होगा, 0, क्योंकि इसका ना ही लेफ्ट चाइल्ड है ना ही राइट चाइल्ड है, तो बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एवीएल ट्री कहता है अगर हमारे पास बैलेंस फैक्टर जो है या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए और या -1 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये जो हमारा जो ट्री बन रहा है वो एक बैलेंस है। अगर इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उस कंडीशन में हमें ट्री को रोटेट करना पड़ेगा, या तो हम उसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, राइट रोटेट करेंगे, या लेफ्ट लेफ्ट रोटेट होगा, या राइट राइट रोटेशन होगा। तो ये कंडीशन कहता है हमारा एवीएल ट्री। अभी हम देखेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन क्या होता है, राइट राइट रोटेशन क्या होता है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको देखेंगे, और एवीएल का एक एग्जाम्पल भी प्रॉपर तरीके से हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।